क्वेश्चन नंबर थ्री का सेवंथ पार्ट है 700 ग्राम्स आउट ऑफ 2 kg। यहाँ पे ग्राम्स है तो 2 kg को भी आपने ग्राम्स में राइट कर लेना है। तो 1 ग्राम में 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 2 kg में 2000 ग्राम्स होंगे। सो हम इसको फ्रैक्शन में राइट करेंगे 700/2000। तो अब ये 2020 से काट जाएंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी 7/20। नेक्स्ट डेसिमल में राइट करना है 700/2000। 2 0 को 2 0 से काट दिया, विच इज इक्वल टू 7/20। 7 को अंदर रखेंगे, 20 पे करेंगे डिवाइड। 7 डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 23 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट के बाद हमें जितने जीरोस चाहिए होती हैं उतने हम लगा के उनको नीचे वन बाय वन नीचे लेके आ सकते हैं। सो एक 0 और लगाएंगे, उस 0 को नीचे ले आएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 100। 25 are 100। सो हमारे पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा 0.35। Now we write it into ratio, 700/2000, दोनों तरफ 100 पे करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 700/720/2000। सो हमारे पास आंसर आ गया 7/20। अब हमने इसको परसेंटेज में राइट करना है 700/2000 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये 20 इस 20 के साथ काट जाएंगे, ये 0 इसके साथ काट गया, 70 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया तो 235 are 75। सो 2 1s are 2, 235 are 70, 35 1s are 35। सो हमारे पास आंसर आ गया है 35%। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द फॉलोइंग परसेंटेज, 8% ऑफ 50। तो परसेंटेज मीन्स होता है आउट ऑफ 100, तो 8% ऑफ 50 मीन्स 8/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 50। 0 0 से काट जाएगा, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 4s are 8। सो 4 1s are 4, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। सेकेंड पार्ट है 64% ऑफ 25। तो इसको राइट करेंगे 64% ऑफ 25। 64% मीन्स 64/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 25। 25 1s are 25, 25 4s are 100। नाउ 4 1s are 4, 4 1s are 4, 2 कैरी चला जाएगा, 24 हो जाएगा, 4 6s are 24। सो 16 1s are 16। जिस तरह से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व किया है, इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स को सॉल्व कर लेना है।